किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मिर्च की फसल के बारे में, जो शुरुआती के 30 दिनों में कौन कौन से स्प्रे लेना चाहिए। किसान भाइयों, आप देख रहे हो मेरी मिर्च की फसल है, ये शुरुआती के दिनों में मैंने यहाँ कौन कौन से स्प्रे लिए थे जो मुझे अच्छी बढ़वार और मिर्च की फसल मुझे अच्छी हरी भरी दिख रही है। किसान भाई, आइए आप चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो, बहुत शानदार मिर्च की फसल है मेरे खेत में। बहुत अच्छी तरह से इंसेक्ट कंट्रोल हुआ है, आप देख सकते हो। अच्छी तरह से ग्रोथ भी हुई है और अभी मिर्चा लगना स्टार्ट भी हो गया है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो, ये 30 दिन की फसल है और बहुत अच्छी ग्रोथ भी हुई है, आप लाइव देख सकते हो। और ये वैरायटी है एडवांटा सीड्स की AK-47 और माइको की 9TH वैरायटी है। किसान भाइयों, ये सारे पौधे 6000 पेड़ है। किसान भाइयों, कौन कौन से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया था आपको दिखाता हूँ। किसान भाइयों, ये देखो, ये एक दवाई है, ये इसमें इमेडा क्लोप्रिड 17.SL इसमें आता है। किसान भाइयों, ये मैंने शुरुआती के 10 दिनों के बाद ये इस्तेमाल किया था किसान भाइयों, और 20 दिन की फसल होने के बाद मैंने ये टाटा का टॉप गोरी इस्तेमाल किया था। ये इंसेक्टिसाइड इसमें है, कंटेंट डाई मेथाइड 30% ऐसी। किसान भाइयों, ये दो टेक्निकल मैंने यूज़ किया था मेरी मिर्च की फसल में, आप देख सकते हो बहुत अच्छे इंसेक्ट कंट्रोल हुआ है। किसान भाइयों, और शुरुआत के 30 दिनों में थोड़े हल्के रेंज के टेक्निकल का यूज़ करना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि शुरुआती के दिनों में अच्छे टेक्निकल का यूज़ कर लेते हैं तो हमें बाद में इंसेक्ट कंट्रोल नहीं होते हैं और हमारी मिर्च की बढ़वार भी अच्छी नहीं होती है। किसान भाई, इसलिए शुरुआती के दिनों में थोड़े हल्के रेंज के इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। किसान भाइयों, धन्यवाद।